हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ सुमानसी सहगल। फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो मेकअप बेस के ऊपर है, जिसमें कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने जा रही हूँ कि हम मेकअप बेस जो है वो किस तरीके से बनाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बेसिक प्रिपरेशन, क्लिनजिंग कर चुके हैं, टोनिंग कर रहे हैं फेस की, और टोनर को थोड़ा सेट होने देंगे। एक मिनट का ही हम लोग गैप देंगे। जब टोनर एब्जर्वेशन हो जाएगा, फिर हम लोग क्रीम एप्लीकेशन करेंगे। कोई भी अच्छा मॉइस्चराइज़र आप स्किन के लिए यूज़ कर सकते हैं। मैं लंबे समय से एम्ब्रोइलिस ब्रांड का जो मॉइस्चराइज़र है वो यूज़ कर रही हूँ, जिसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। तो इस तरीके से आप किसी भी अच्छे ब्रांड का मॉइस्चराइज़र परचेज कर सकते हैं, और उसको अच्छे से आप लोग एप्लीकेशन करेंगे क्लाइंट के फेस पे। अब फॉरएवर 52 का मैं जेल प्राइमर यूज़ कर रही हूँ, जो कि बहुत अच्छा है, ऑल स्किन टाइप है, तो सारे पोर्स को ये ब्लर कर देगा, जो भी अपने फेस पर इम्परफेक्शन है, और हमारा जो बेस जो इसके ऊपर लगेगा वो बहुत फ्लॉलेस लगेगा। इसलिए हम लोग को प्राइमर लगाने की बहुत नीड होती है, तो आप किसी अच्छे ब्रांड का प्राइमर जो है वो यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद फर्स्ट स्टेप हमारा कंसीलिंग करना है। तो मेरे क्लाइंट के बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल नहीं है, इसलिए मैं सीधा कंसीलिंग ही यूज़ कर रही हूँ, ऑरेंज करेक्टर का यूज़ नहीं कर रही हूँ। तो बहुत अगर कम प्रॉब्लम हो तो आपको बहुत ज़्यादा उसको हाइड करने की नीड नहीं रहती, तो इसलिए आप भी इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे कि अगर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है तो आप कंसीलर से ही हाइड कर देंगे। कंसीलर अपने स्किन टोन से 2 या 3 शेड डार्क होना चाहिए, ताकि जो हल्के फुल्के निशान हैं वो हाइड हो जाएं। इसके बाद ब्यूटी ब्लेंडर लेके मैं इसको अच्छे से जो प्रोडक्ट है उसको अच्छे से हम लोग क्लियर कर देंगे ब्यूटी ब्लेंडर से, डैप कर करके उसको सेट करेंगे फेस के ऊपर, ताकि कहीं से वो अनइवन ना दिखे। कंसीलर सेट कर दिया हम लोगों ने। इसके बाद हम लोग सेकंड स्टेप हमारा फाउंडेशन एप्लीकेशन, जिसमें कि मैंने पीकेन फॉरएवर 52 का पीकेन और कस्टर्ड दोनों को अच्छे से मिक्स किया है। इसमें कस्टर्ड ज़्यादा है और पीकेन की क्वांटिटी कम है, तो इस तरीके से हम उसको अच्छे से फेस पर एप्लीकेशन करेंगे। 2 टोन लाइटर ले रही हूँ अपनी क्लाइंट के लिए, ताकि उनका जो बेस है उनको अच्छा दिखे, थोड़ा फेयर भी दिखे, तो इसलिए हम 2 टोन जो है लाइटर फाउंडेशन का यूज़ कर रहे हैं, जो कि कस्टर्ड फाउंडेशन है फॉरएवर 52 का। फाउंडेशन को पूरे ओपन एरिया पे हम लोग लगाएंगे। फिर मैं फेस पर टोनिंग कर रही हूँ, जो कि मैं स्मैश बॉक्स का यूज़ कर रही हूँ। 1-2 सेकंड वेट करने के बाद हम लोग डैप डैप करके पूरे अच्छे तरीके से फेस पर फाउंडेशन को जो है ब्लेंड करते जाएंगे, ताकि कहीं से भी हमारा फेस अनइवन ना दिखे। ब्लेंड करते समय ध्यान रखेंगे ईयर के आसपास और ईयर के ऊपर बहुत अच्छे से हम लोग फाउंडेशन की एप्लीकेशन करेंगे। नेक को पूरा जो फ्रंट है उसको कवर करेंगे, इतना भी ओपन एरिया है। अब मैं फेस की कंटूरिंग करूँगी। सबसे पहले मैं जॉ लाइन पे कर रही हूँ, आप किसी भी एरिया पे पहले कर सकते हैं, जैसे भी आप करना चाहे कम्फर्टेबल होकर। तो इस तरीके से जॉ लाइन पे लाइन हमने क्रिएट की, और उसके बाद उसको नीचे की साइड हम लोग ब्लेंड करेंगे।
नेक्स्ट स्टेप हमारा, हम लोग नोज़ की कंटूरिंग कर रहे हैं और उसको ब्लेंड कर रहे हैं अच्छे से। देखिए मैं फिंगर की हेल्प से भी काम कर रही हूँ ताकि मेरे को लगता है छोटा एरिया हो तो हम लोग ज़्यादा अच्छे से काम कर सकते हैं फिंगर से अपनी, तो हम लोग बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। आप लोग किसी भी तरीके से काम करें बट अच्छा करें अपने काम को। अब मैं कंटूरिंग कर रही हूँ अपने जो साइड्स होते हैं इनकी, ताकि हमारा जो फेस है वो स्लिम दिखे। तो इस तरीके से हम लोग ईयर के पास से कंटूर को लगाते हुए नीचे की साइड लेकर आएंगे और लिप्स से हम 2 इंच ऊपर रखेंगे, 2 फिंगर ऊपर रखेंगे हम लोग इस तरीके से। जहाँ से हमको स्लिम दिखाना है फेस को, उस साइड हम लोग कंटूर का यूज़ करेंगे और वहाँ पर अच्छे से हम लोग ब्लेंड करेंगे। अब मैं फेस पे हाइलाइटनिंग कर रही हूँ। आप देखिए जहाँ जहाँ हमारा हाइलाइट एरिया होता है आईज़ के आसपास और नोज़ के ऊपर, नोज़ ब्रिज और फोरहेड पे और चिन पर, लिप्स के ऊपर, इस तरीके से हम लोग हाइलाइटर का यूज़ करेंगे। हाइलाइटर मैं टार्ट ब्रांड का यूज़ कर रही हूँ जो कि कंसीलर है, मैं उसको एज अ हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ। तो बहुत अच्छा कंसीलर है ये, आप लोग भी परचेज़ कर सकते हैं टार्ट ब्रांड का। और अगर आपको लोअर रेंज में चाहिए तो आप फॉरएवर 52 का कीजिए यूज़, PSE का कीजिए। इस तरीके से अच्छे से आप ब्लेंड करेंगे। अब मैं लिक्विड जो ब्लशर है उसका यूज़ करी, जो O2O ब्रांड का है, बहुत अच्छा ब्लशर है ये, आप लोग परचेज़ कर सकते हैं इसको। तो इस तरीके से चीक्स पर, नोज़ पर एप्लीकेशन करेंगे, बहुत अच्छा पिंकिश इफेक्ट आएगा फेस के ऊपर। जो भी फेयर कॉम्प्लेक्शन हो आप उस पर यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा ये। आप कितना भी पिंक कर दें अच्छे से कोई दिक्कत नहीं, जब आप लोग पाउडर की एप्लीकेशन करेंगे तब क्या होगा, ये पिंकनेस कम हो जाएगी अपने आप से। तो आप अच्छे से इसको लगा सकते हैं ब्लशर को। इसके बाद मेरे को ये एयर ब्रश मेकअप है, तो मैं एयर ब्रश का बेस कर रही हूँ, जिसमें मैं 3 नंबर और 6 नंबर को मिक्स करके, Temptu ब्रांड का है ये मेरा मशीन, इस पर 3 नंबर फाउंडेशन और 6 नंबर को मैं मिक्स करके लगा रही हूँ, जिसमें 3 की क्वान्टिटी ज़्यादा और 6 की क्वांटिटी कम है, ताकि फेयर इफ़ेक्ट आए फेस के ऊपर। इसलिए हम लोग इस तरीके से मशीन से पूरे फेस पर बेस को लगाएंगे। इससे जो बेस हमारा होता है बहुत अच्छा, एकदम क्लीन बेस लगता है, बहुत अच्छे से मतलब इसका लुक आता है इसके मेकअप का। तो आप ये अपने जो ब्राइडल है उसमें यूज़ कर सकते हैं, अगर आपकी ब्राइड्स आपको चार्ज अच्छे से कर रहे हैं तो आप लोग इस मशीन का यूज़ कीजिए, बहुत अच्छा इफ़ेक्ट आता है इससे मेकअप में। एक बार मैं आइस के नीचे फिनिशिंग दे रही हूँ। फ्रेंड्स, फाउंडेशन को लिप्स के ऊपर भी आप लोग अच्छे से लगाएंगे, क्योंकि आपको बाद में इसके ऊपर लाइन क्रिएट करनी होती है इसलिए। अब मैं Temptu ब्रांड का ब्लशर है पिंक कलर का, वो दोबारा से यूज़ कर रही हूँ। ये भी बहुत लाइट सा ब्लशर लगता है, बहुत अच्छा इफ़ेक्ट आता है, ये भी आप लगाएं तो बहुत अच्छा रहेगा।
इसके बाद मैं मेकअप स्टूडियो ब्रांड का ट्रांसल्यूसेंट पाउडर यूज़ कर रही हूँ और PSE ब्रांड का पाउडर पफ यूज़ कर रही हूँ। जब भी हम लोग पाउडर की एप्लीकेशन करेंगे, एक बार ज़रूर ब्यूटी ब्लेंडर से उसको डैब डैब करेंगे ताकि जो लाइंस है वो हट जाए, उसके बाद ही हम लोग पाउडर को लगाएंगे। देखिए, जहाँ पर भी लाइंस है मैं क्या कर रही हूँ, पहले ब्यूटी ब्लेंडर से उस लाइन को हटा रही हूँ, उसके बाद ही मैं पाउडर की एप्लीकेशन कर रही हूँ। आप भी इसी तरीके से करेंगे तो आपका बेस बहुत अच्छा बनेगा और क्रैक्स नहीं आएंगे बेस में। इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका मेकअप बहुत अच्छा होगा। देखिए, जब भी आइस के नीचे करती हूँ मैं ज़रूर ब्यूटी ब्लेंडर का यूज़ करती हूँ, उसके बाद ही मैं पाउडर की एप्लीकेशन करती हूँ। अब देखिए, पाउडर से बिल्कुल जो बेस है वो सेट हो चुका हुआ है। ब्लशर भी बहुत कम दिख रहा है क्योंकि हमें एक बार और ब्लशर का यूज़ करना है जो कि पाउडर ब्लशर होगा। अच्छे से मैं नेक पर भी पाउडर की एप्लीकेशन कर रही हूँ। नेक पे मैं फेस कलर से थोड़ा सा डार्क पाउडर यूज़ कर रही हूँ क्योंकि नेक का एरिया फेस कलर से थोड़ा सा डिफरेंट होता है, तो हमें पाउडर भी उसी तरीके से डिफरेंट यूज़ करना पड़ता है। ये मैं फॉरएवर 52 का यूज़ कर रही हूँ कॉम्पैक्ट पाउडर। तो इस तरीके से जो हमारा बेस है वो कम्प्लीट हो गया। अब मैं इस पर लास्ट में स्मैश बॉक्स का टोनर डाल के इसे कम्प्लीट करूँगी, फिक्स करूँगी। इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो कम्प्लीट हुआ।